हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 20 डे का जो क्रैश कोर्स मैं बना रहा हूँ, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, फिर कोई भी पार्ट नहीं देखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पार्ट टू है और इसके बाद आपके लगातार पार्ट अपलोड होते रहेंगे, तो आप सारी वीडियो का नोटिफिकेशन लेते रहिए। रीजनिंग का टाइमिंग 3 बजे है, करंट अफेयर का सुबह 7 बजे है और रात को मैथ की वीडियो मिलती है। इन सभी एग्जाम के लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10 पर्सन जो कई बार आ चुके हैं। तो ऐसे पर्सन जितने भी कई बार आ चुके हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आप सारी वीडियोस देखते रहिएगा, रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप इन सभी टेस्ट को लगा के स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। आप डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्काउंट कोड है सौरभ SPL। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं आपसे एक और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को मैं जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट जरूर कोशिश करिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा जरूर बताइए। यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए, जब भी मैं ट्राई करने के लिए बोलूँगा तो वीडियो को रोक लेना है और ट्राई करना है, फिर उसको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5, 6, 7, 23, 4, 5, 6, 14 और नेक्स्ट आपको बताना है 3, 4, 5। तो कुछ ना कुछ इन तीनों का रिलेशन बन के ये बन रहा होगा। ठीक है, वैसे इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए, इसमें है कि 5 और 6 की मल्टीप्लाई की गई है, तो 6 पंजे 5, 5 6 30 या 6 पंजे 30, 30 में से -7 करेंगे तो 23। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14। ठीक है, 3 चौक 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7, यानी कि 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, हार्ड नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार क्या होता है इनको प्लस करके माइनस कर दिया जाता है, कई बार क्या होता है तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, कई बार क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दिया जाता है। तो ये कई तरीके के क्वेश्चन इसी टाइप के मतलब बन जाते हैं, अलग अलग मेथड उसमें यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं और आशा करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखिए, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, आप सबसे पहले ए और एफ के बीच में, क्योंकि तीन है, सब तीन तीन है, तो नेक्स्ट आपको तीन बताना है कि कौन से आएंगे। ए और एफ के बीच में डिफरेंस मुझे बताइए कितने का है। ये पहले नंबर पर आता है, एफ छठे नंबर पर आता है, डिफरेंस कितना होगा 5 का। चलिए, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे +5 चल रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसमें भी +5 चल रहा है, तो k के बाद भी हम +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका। देखिए, k आपका जो आता है वो 11वें नंबर पे आता है, 11 में हम 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16वें नंबर पे आपका p आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें m की, तो m आपका आता है 13 नंबर पे, सभी को पता है 13 में हम प्लस करेंगे। अब की बार ये क्यों कितने पे आता है, क्यों आता है आपका 17 पे, तो डिफरेंस कितने का 4 का, यानी कि अब की बार 4 प्लस करेंगे। तो इसका मतलब पहले 5 प्लस था, अब की बार 4 प्लस है, तो 4 प्लस क्यों हो गया है, क्यों में आप +4 करेंगे तो u हो जाएगा। ठीक है, क्यों 17 पे आता है और u 21 पे, हाँ प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप +4 करिए 21 में तो 25, और 25 पे आपका y आ जाएगा। ठीक है, तो U से आपका Y बन गया। फिर V की हम बात करते हैं, तो V आपका यहाँ पे 22 नंबर पे आता है और इसमें +2 करेंगे तो X आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे +2 चल रहा है। तो आपने देखा सबसे पहले +5, फिर +4, फिर +2, +2 करेंगे X में तो आपका ये Z बन जाएगा। ठीक है, और Z में हम +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, Z आता है 26 पे, फिर +2 करेंगे तो फिर दोबारा से आपकी ABCD स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका 2 आएगा B। ठीक है, 2 नंबर पे बी आएगा, यानी कि PYB इज द राइट आंसर। तो यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, PYB, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। देखिए, ये मैं थोड़ा सा टाइम लगा के इसलिए समझा रहा हूँ कि तो आपकी समझ में भी आना चाहिए। ठीक है ना, किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, क्यों हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो ये सीरीज होती है, तो इन सीरीज को तभी कर पाएंगे जब आपको अल्फाबेट के नंबर याद होंगे, वो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर याद नहीं है तो क्या करना है आपको, ए से एम तक लिखिए, एम के नीचे एन लिखिए, एन से जेड तक लिखिए, इससे आपके अपोजिट वर्ड भी हो जाएंगे सारे के सारे, और उस पर 1, 2, 3 डाल देंगे तो आपको नंबर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए जल्दी से, इसमें क्या चल रहा है।
यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सी सीरीज चल रही है। आप ये बताइए मुझे, देखिए इनको करने का तरीका क्या चल रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि प्लस माइनस चल रहा है। प्लस माइनस ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि डिवाइड भी हो सकता था। देखिए जब भी सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो तब आपका प्लस के ही ज़्यादातर चांसेज होते हैं, 99% होगा कि प्लस ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ प्लस करेंगे, इसमें कितना प्लस किया, 27 से 32 में आपका 5 प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस किया, यहाँ पे कितना किया माइनस 2 कर दिया, तो प्लस 5 माइनस 2, फिर आपने प्लस 5 कर दिया, फिर आपने माइनस 2 कर दिया, इसी तरीके से चल रहा है। फिर प्लस 5 करेंगे तो 33 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, यानी कि आपका 38 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन को समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती है, थोड़ा ऐसे इस तरीके से समझाया करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं और इसको ट्राई करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, और डिवाइड का अर्थ घटाना, और गुणा का अर्थ जोड़ना, तो कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस इस सीरीज को बताना है। जैसे इन्होंने साइन चेंज करने के लिए बोला है, वैसे ही साइन चेंज करने के बाद में आपका ये सेटिस्फाई होना चाहिए इस साइड से, ठीक है। तो ये आप कैसे ट्राई करेंगे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले माइनस का अर्थ प्लस बोला गया, तो माइनस को हमने प्लस कर दिया। गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग बोला गया, तो यहाँ पे हमने भाग कर दिया। फिर यहाँ पे किसका घटाने का अर्थ गुणा बोला गया है, तो घटाने का हमने गुणा कर दिया। बाकी एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, ये तो पूरी गलत इक्वेशन है, क्योंकि इसमें तो मतलब कुछ सेटिस्फाई नहीं करना है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 14 लिखा है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, मल्टीप्लाई को बोला गया था, मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ना होता है, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे। माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या बोला गया था, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे आप भाग कर देंगे। और भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे घटाना कर देंगे। और यहाँ पे प्लस का अर्थ बोला गया था भाग, तो यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए प्लस का अर्थ है गुणा, सॉरी यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस 2 से सेटिस्फाई करना है, तो आप खुद वो करके देखिए, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 24 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपका माइनस 2 लिखा है, तो पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे मैं सी ऑप्शन पे आता हूँ, तो 24 को लिखेंगे आप डिवाइड, क्योंकि माइनस को आप डिवाइड लिख रहे हैं। प्लस को आप क्या लिखेंगे, प्लस को लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। और माइनस लिख देंगे आप यहाँ पे डिवाइड को, मल्टीप्लाई को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई को आप प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये हमने बना ली एक पूरी इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, फिर ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी फिर ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 12 से आप सबसे पहले 24 को कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 तो हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 12 माइनस 16 प्लस 18 ये आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या बोला जाता है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कोई है नहीं तो ऐड कर देंगे। प्लस के कितने हैं यहाँ पे, प्लस का आपका एक तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, माइनस 16 और प्लस का 18, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 42, और माइनस कर देंगे 16, तो आपका 26 के ही कॉल आ जाएगा। यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे भी 26, यही क्वेश्चन में दिया गया था कि ये आपका 26 सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है और ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 5 है, ठीक है, चलिए 5 ही मान लेते हैं। 5 एक क्वेश्चन नंबर है और इसको ट्राई करके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए इन तीनों का रिलेशन बन के, ठीक है, ये बन रहा होगा, इन तीनों का रिलेशन बन के ये बन रहा होगा, इन तीनों का रिलेशन बन के ये बन रहा होगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। अब आपको सबसे पहले ये रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनका क्या पैटर्न चल रहा है कि आपका 18 बन गया। देखिए 5 और 4 कितना होते हैं, 9, 9 दूनी 18, 6 3 कितने होते हैं, 9, और 9 3 27, यहाँ पे 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 की किस में मल्टीप्लाई की जाए कि यहाँ पे आपका
ये 96 बन जाए। तो 96 को 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 96 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। यानी कि आप 6 यहाँ पे रख देंगे तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका 96 हो, यानी कि 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे इसको। सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, सभी छात्रों की बात की जा रही है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों की बात की जा रही है। मैं आपको ये क्वेश्चन करने के तरीके बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं और गलतियाँ करते हैं इनमें। देखिए इसको आप एक एक वर्ड पे ध्यान देते हुए पढ़िएगा। सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। तो इससे आप क्या समझे कि सभी छात्रों को सैर सपाटा पसंद है, सभी छात्रों को, चाहे वो कोई भी हो, सभी छात्रों को सैर सपाटा पसंद है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। रीजन क्या है भाई, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा अच्छा लगता है। इसका रीजन ये है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सभी बच्चों को सैर सपाटा पसंद है, तो उसमें वो प्रयोगशाला वाले बच्चे भी आ गए और जो प्रयोगशाला में का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता वो भी आ गए। तो यहाँ पे ये पहले वाला राइट हो जाएगा भाई। समझ गए ना आप क्यों मैंने इसको राइट लगाया। फिर नेक्स्ट वाला है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता किंतु सैर सपाटा पसंद, सैर सपाटा अच्छा लगता है। तो ये किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे आती है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, तो कुछ छात्र तो बचे होंगे ना जिनको अच्छा नहीं लगता होगा। तो यहाँ पे आपका पहला भी राइट हो जाएगा, दूसरा भी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों निकलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और इसमें आपको बताना है, लिखा है जो वर्ड इंटेलिजेंसी, इससे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, नहीं बनाया जा सकता। तो चेक कैसे करते हैं हम इसको, आप सभी को पता है, यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है, उसको चेक बस आपको ऐसे करना होता है, जो इंटेलिजेंसी लिखा है उसके वर्ड उसमें यूज हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो बन सकता है। अगर एक भी वर्ड ऐसा है, एक भी अल्फाबेट आपका ऐसा आ गया उसमें कि वो उससे में ऊपर वाले दिए गए वर्ड में नहीं है, तो वही नहीं बन सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, जीस में है, ई भी है, एन भी है, टी भी है आपका, और एल भी है, और ई भी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शन बी पे, तो टी है, बिल्कुल है, और डबल ई भी है इसमें भी, और एन भी है, ये भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन सी में, तो जी है, ठीक है। देखिए इंटेलिजेंसी में कहीं आपको आर नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पे जो ग्रीन लिखा है जी आर डबल ई एन, तो इसमें आपका आर आ गया, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड होगा जो नहीं बन सकता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 में बोला जा रहा है ए और बी विवाहित दंपति है, सी और डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी विवाहित दंपति है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी ए और बी पति पत्नी हो जाएंगे, आप सबसे पहले ए और बी को लिख लेते हैं, ए और बी ये पति पत्नी है। तो यहाँ पे अभी इनका हमें जेंडर नहीं पता है कि कौन सा पति है कौन सा पत्नी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सी और डी भाई है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सी और डी, देखिए सी इधर भी आ सकता है और डी इधर भी आ सकता है, तो मैं इनको ऐसे करके लिख लेता हूँ सी। ठीक है, अब पता नहीं ना सी डी या डी सी है, तो यहाँ पे सी और डी भाई है, तो ये आपका जो रिलेशन है भाई वाला है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है ए का भाई सी भाई है, सी ए का भाई है, तो सी ए का भाई है, इसका मतलब ऊपर वाले सही हो जाएंगे। ठीक है, अरे यार पूरे चला गया, डी सी ए और बी, यानी कि सी और ए भाई है, नहीं सॉरी सी सी ए का भाई है, यानी कि ए का, सॉरी सी का जेंडर डिफाइन हो चुका है, ये आपका एक मेल पर्सन है, ए का अभी भी नहीं पता है कि ये आपका फेल है मेल है या फीमेल है। फिर यहाँ पे बोला है डी का बी से क्या संबंध है, डी और बी का पूछा गया है, ये बी है आपका और ये डी है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें है ही नहीं कुछ सीखने को। तो देखिए ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, ये इसका भाई है, और ए और बी का क्या रिलेशन है, भाई नहीं हो सकता, ठीक है, दामाद नहीं हो सकता,
चचेरा भाई भी नहीं हो सकता, तो आपका क्या बचा, देवर और साला, या देवर या साला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, तो देवर होगा या साला होगा, ये इन दोनों में से ही आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, समझ गए आप इस चीज़ को। यहाँ पे बोला गया था ए और बी तो हस्बैंड वाइफ हैं, फिर यहाँ पे बोला जा रहा था सी ए का भाई है, तो सी और सी का हमें जेंडर पता चल गया, ये मेल पर्सन है, और सी और डी क्या है, भाई भाई है, ठीक है, तो ये भी आपका मेल मेंबर हो जाएगा, भाई भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा डी और बी का रिलेशन क्या है, तो या तो ये देवर हो सकता है, साला हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का राइट आंसर बताइए, पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे 5 को रिलेट किया गया है 124, तो 7 को किस तरीके से रिलेट किया जाएगा ये आपको बताना है। तो आप एक ही नज़र में इसको पहचान गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है रेलवे के एग्जाम में ही। तो देखिए करना क्या है इसमें, सिंपली यहाँ पे आपको करना है कि जो 5 है, ठीक है, 5 का आपको स्क्वायर करना है और -1 कर देना, तो 5 का सॉरी 5 का क्यूब करना है और -1 कर देना, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125, और 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124 आपका आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब -1 करना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343, तो 343 में से -1 करेंगे तो 342 आपका आ जाएगा, तो 342 कौन सा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 342 इज़ द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्यूब यहाँ पे चल रहा था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, 9 का राइट आंसर बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। अब विषम संख्या का आपको कैसे पता लगेगा, देखिए आपको पता होना चाहिए 169 क्या है, 169 आपका 13 का स्क्वायर है, ठीक है, 196 क्या है, ये 14 का स्क्वायर है, 255 किसी का स्क्वायर नहीं है, 289 किसका स्क्वायर है, ये आपका 17 का स्क्वायर है, तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली ये आपका स्क्वायर तब हो सकता जब एक नंबर और बढ़ जाता, 256 होता, वो 16 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 16 का स्क्वायर -1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो उत्तर सॉरी प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है उन संख्याओं का योग बताइए जो समचतुर्भुज में है लेकिन आयत में नहीं है। तो समचतुर्भुज आपका कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और आयत आपका ये वाला है, तो आप देख लीजिए इसमें से, इसमें नहीं होने चाहिए वो नंबर, बट सम चतुर्भुज में हो सकते हैं, तो 492 आपका मेरे हिसाब से ये हो गए, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो कई बच्चे एक भी जो नंबर है उसको गलत ऐड कर दे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है, 492 ऐड करना है, कई बार ये 3 भी ऐड कर बैठते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये भी तो आया हुआ है इसमें, ठीक है, ये पूरा का पूरा 8 भी ऐड कर लेते हैं, कई बार गलतियां हो जाती है ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो 492 ही आपका ऐड कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो 492 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 2 11 और 4 15, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है मोनिका 20 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। चलिए हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं मतलब एक भी लाइन को ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जितनी लाइन पढ़ेंगे उसको चलेंगे। 20 मीटर पर सबसे पहले मोनिका चली उत्तर की डायरेक्शन में, तो उत्तर ये होता है आपका 20 मीटर, आपने इसको चला दिया, फिर दाएं मुड़ के 30 मीटर चली, ये भी क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, तो 30 मीटर यहाँ तक आ गई होगी दाएं मुड़ने के बाद में, ठीक है, यानी कि राइट साइड मुड़ने के बाद में 30 मीटर हो गया। भाई देखिए एक एक लाइन को पढ़ते रहिए और करते रहिए, कभी भी गलत नहीं होगा। फिर से वह दाएं मुड़ी और 35 मीटर चली, फिर से दाएं मुड़ गई, ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद में फिर से दाएं मुड़ी और वो 35 मीटर चली। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 35 कितना होगा, इस 20 से आगे लाइन जाएगी वही 35 होगा, तो इससे आगे ले जाइए, ये आपका 35 मीटर आप चल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 35 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, फिर दोबारा से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर आपका हो जाएगा, फिर वो बाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है, ठीक है, तो उसके बाद भी वो 15 मीटर करके दो बार चलती है। देखिए यहाँ पे बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब दिशा आपसे पूछ रही है भाई, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको दिशा का बता देता हूँ किस तरीके से दिशा को निकालते हैं। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो ये आप पॉइंट मानेंगे, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे आए,
फिर इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे, पॉइंट से नीचे, फिर आपने ऐसे, फिर ऐसे। तो ये अभी किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका पूर्व की ओर है, ठीक है, तो ये आपका पूर्व की ओर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व, पूर्व डायरेक्शन राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि भाई समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकृति फल लाल और कमीज के मध्य सही संबंध को निरूपित करता है। देखिए फल भी लाल हो सकता है और कमीज भी लाल हो सकती है, तो आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना जो तीनों के बीच में रिलेशन को शो करता हो। तो जैसे ये हो गया और ये हो गया, कभी भी राइट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक को शो अलग किया गया है, इसमें तीनों को ही अलग अलग शो किया गया है। अब इन दोनों में कौन सा हो सकता है, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता भाई। ये ऑप्शन शो करता है कि मान लीजिए सारे के सारे फल लाल हैं और सारे के सारे लाल आपके कमीज हैं, तो ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बचता है सी, यहाँ पे बीच वाले को मान लेंगे लाल, तो कुछ लाल तो आपकी कमीज हो सकते हैं और कुछ लाल आपके फल हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरा टारगेट है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाए। मैं आपको 10 क्वेश्चन बोलता हूँ बट 10 से कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी। अगर आप पूरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, रीजनिंग कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया होगा। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं की है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इन सभी टेस्ट को आप परचेज करके, प्रैक्टिस करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज करना है आपको Saurabh SPL, तो उसके बाद आपको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपका ये 120 रुपीज़ प्राइस हो जाएगा। अदरवाइज इसके रुपीज़ है 150 रुपीज़ का ये टेस्ट है, इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना होगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDF है और डेली PDF वहाँ पे डलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।